एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सुबह सुबह साबूदाना बड़ा। और ये जो कि ये मैंने मॉर्निंग में बनाया था ब्रेकफास्ट में, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। इसमें मैंने पोटैटो यूज़ नहीं किया, ओनली साबूदाना और ब्रेड से मैंने ये बनाया था। और लंच में मैंने बनाया था आज ये राइस का इंस्टेंट डोसा। इन दोनों की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रंची बना था, आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ही टेस्टी दिख रहा है, ये इतना ही टेस्टी बना था। तो एक्चुअली आज हुआ क्या, हम लोगों को एक अनइन्फॉर्म पार्सल रिसीव हुआ। हम लोग सोच कुछ और रहे थे, वो निकला कुछ और, इनके ऑफिस से आया था। तो देखिए आप लोग मेरा रिएक्शन कैसा था। Want to make someone smile? Send cupcakes. Idea. See, आ गई है पीछे से। Wow. Nice packaging ना? क्या separate हैं क्या चारों? छोटे-छोटे से हैं बस। अच्छा, वो एक ही में उन्होंने रखा होगा एक-एक section में ना? रिविन तो झंडे वाला कलर है। ये कुछ चेंज कर दिया उन्होंने, हमने ये कब ऑर्डर किया था? ये क्या आया भाई? ट्रायल मिक्स तो था। नहीं, हमने तो कुछ और ऑर्डर किया था, कुछ और आया है। कुछ और तुमने रखा नीचे, देखना जरा। नहीं है। ये क्या है? आइस क्यों रखा है? ठंडा करने। ओह अच्छा, तेरे को ऑर्डर नहीं किया था। बट ये आइस अभी तक मेल्ट कैसे नहीं हुआ? अच्छा ये बॉक्स है थर्माकोल की वजह से। तो ये ऑर्डर वाला नहीं है कुट्टू? तो किसने भेजा ये? अच्छा ये पैकेज है हमारा, कंपनी जो आईपीओ किया है, पब्लिक गया अभी। तो उसके लिए हमने बोला कि आज बोल रहे थे शायद गिफ्ट भेजेंगे घर पे। अच्छा तो ये वो वाला नहीं जो हमने अभी उस दिन ऑर्डर किया है? तो कितना अच्छा है ना, नीचे बर्फ देखो जो आई से पूरा बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ ये। है ना, देखो बिल्कुल वैसा कैसे जैसे है। और यहाँ पर ठंडा नहीं लग रहा है, बहुत ही मतलब एकदम यूनिक है ना। इस बॉक्स को रख लेते हैं, कभी कहीं जाएंगे ना तो इसमें रख के निकलेंगे सियाह के लिए, खराब नहीं होगा। चलो बंद कर देती हूँ, कपकेक खा के देखते हैं फिर। सिया को दिखाओ, सिया देखो ये क्या है, ये क्या हुई? तो हुआ ये, इनके ऑफिस ने ये अनप्लान्ड हम लोगों को भेजा था, और हम लोग कुछ और एक्सेप्ट कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया था, हमको लगा कि वो आया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टारगेट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ सामान लाना है। मेरे हस्बैंड का ऑफिस में है पॉटलक, तो उसके लिए मैंने कुछ बिरयानी और कुछ सोचा है। तो उसको सर्व करने के लिए मुझे कुछ एल्युमिनियम के बॉक्स लेकर के आने हैं, तो बस वही लेने के लिए हम लोग टारगेट जा रहे हैं। और आज बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, तो सिया ने जैकेट पहन लिया है। वो जैकेट पहन के छोटू सी कुटू सी इतनी प्यारी लग रही थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और वो ऐसे क्योंकि पूरे में भाग रही थी, तो उसको बार बार ना हम लोगों को पकड़ना पड़ रहा था। सिया कहाँ जा रहे हो? सिया कहाँ, पीछे कहाँ जा रहे हो? टारगेट कहाँ है? बॉल छुएगी 100% जा रही है ये बॉल। बहुत ठंडी नहीं है तुमको लग रहा है? इतना ज्यादा नहीं है क्या? खेलो, बॉल है, किक करो, किक 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 लाइक दिस। चलो अंदर आओ, आओ आजा जल्दी आओ। आज बना है बिरयानी, अभी ये बन रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको भी मैं 5 मिनट और रखूंगी। और इधर साइड से मैंने बना दिया है केसरी भात, मतलब ये भी बन रहा है, इसमें भी शुगर नहीं गया है, क्योंकि आज हस्बैंड का है पॉटलॉक, तो ये सब वो लेके जा रहे हैं अपने साथ।
ऑफिस में। तो ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है और मैंने ये सब अल्मुनियम बॉक्सेस में रायता, बिरयानी और जो ये केसरी भात है वो रख दिया है, और ये जो बड़ा वाला है इसमें भी मैंने बिरयानी ही रखा है, लेकिन इसको हम लोग ये पूरा पैक कर चुके थे इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये ऑफिस की वीडियो है, मेरे हस्बैंड ने मुझे जब वीडियो कॉल किया था तो मैंने रिकॉर्ड किया था, तो आप देख सकते हैं सब कलीग्स बैठे हैं और सब खाना रखा हुआ है। तो बस आज का ब्लॉग छोटा सा था, बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और कलीग्स को ये फूड अच्छा लगा, वो लोग इंडियन फूड नहीं खाते, बस सब लोगों ने टेस्ट किया उनको अच्छा लगा। तो इसी बात के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।